क्या टीम इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान जीतने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2024। अब अगर दोनों टीमों के शेड्यूल की बात करें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। अब एक तरफ इंडियन टीम है जो कि T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 3 T20 मुकाबले खेलने वाली है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है जो कि T20 वर्ल्ड कप से पहले 9 T20 मुकाबले खेलेगी, जिसमें से 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे जबकि 4 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ होंगे। अब ऑब्वियस ही बात है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा अपने कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करने का, और किस टीम के साथ ये टीम T20 वर्ल्ड कप में उतरने वाली है उन कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से सेट करने का। जबकि टीम इंडिया जरूर कुछ समय के बाद IPL खेलने वाली है, जहां पर टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स के पास 14 मैचेस होंगे खुद को साबित करने का और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने का। लेकिन इससे पहले भी एक बार हम 2021 में ये गलती कर चुके हैं, जब T20 वर्ल्ड कप में जो टीम चुनी गई थी वो IPL के बेसिस पर बनाई गई थी और वरुण चक्रवर्ती और राहुल चाहर जैसे प्लेयर्स को टीम में मौका दिया गया था, जबकि युजवेंद्र चहल जो लगभग पूरे साल टीम इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज थे उन्हें अचानक से वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ड्रॉप कर दिया गया और नतीजा यह हुआ कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया विराट कोहली के कप्तानी में सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी। अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो सिर्फ 3 मैचेस खेलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम की बात करें तो उनके पास एक बेहतर मौका है अपने कॉम्बिनेशन को सेटल करने का, क्योंकि 9 मुकाबले वो खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले। अब अगर इन दोनों टीम्स के पिछले कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जहां 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मुकाबले में मिली हार के बाद बाहर हो गई थी, जबकि 2021 में तो टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हारकर बाहर हो गई थी, जबकि 2021 की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मिली हार के कारण बाहर हो गई थी। और अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान की टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की स्टेज पर हराया था, जबकि 2022 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर विराट कोहली की एक बेहतरीन पारी की बदौलत टीम इंडिया ने हार का बदला लिया था और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया था। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के शेड्यूल को देखने के बाद कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले खुद को एडवांटेज मानेगी और कौन सी टीम के पास एक बेहतर मौका है खुद की प्लेइंग 11 सेट करने का? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।